वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर दो प्लगइन के मदद से किस तरह से स्किन को स्मूथ किया जाता है और उसका कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लगइन में सबसे बेस्ट आ रहा है। ओके, तो इसमें दो कंपेयर में जो दो प्लगइन है उनका नाम है, एक आपका स्किन फाइनर है और एक आपका टोपास लैब है। ठीक है, तो ये दो प्लगइन के मदद से मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा किस तरह से आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फोटोशॉप पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप मैं यूज कर रहा हूँ आपका 14 वर्सन। तो यहाँ पे मैं हेल्प में जाके आपको दिखा देता हूँ कौन सा ये फोटोशॉप वर्सन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशॉप वर्सन आपका 14 वर्सन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक फोटो ओपन करके डाल देता हूँ इसके अंदर। ये आपका फोटो ओपन हो गया इसके अंदर। सो गाइस, ये फोटोशॉप के अंदर आ चुका है। तो इसका मैं कर लेता हूँ दो फोटो, इसके अंदर सेम फोटो रख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टोपास। ठीक है, तो ये आपका दो फोटो आ गया, सेम फोटो मैंने दो डाल लिया, एक ये और एक ये। इसमें मैंने नाम लिख दिया, इसमें नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, जैसे आपको समझ में आए किस तरह से ये वर्क करता है। और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको भी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया किस तरह से आपको करना है, आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्किन फाइनर। ठीक है, तो फिल्टर में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपका फोटो टूल बॉक्स, इसके अंदर स्किन फाइनर है। तो आपको पता ही होगा स्किन फाइनर, जो लोग यूज करता है उन लोगों को पता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको यूज करना है। सो गाइस, स्किन फाइनर हम लोग को ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको जूम करके मैं देख लेता हूँ। ये प्लस का जो बटन है इससे आप जूम कीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल स्क्रॉल करके जूम करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्लस और माइनस बटन आप यूज कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको जूम करना है और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है स्किन को और इसमें देखते हैं किस में सबसे बेस्ट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह कुछ करना है। जैसे मान लीजिए ये कलर आपका डिटेक्ट किया है तो यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है नेविगेटर बॉक्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आपको इस तरह से आपको इधर उधर करना है। ठीक है, इस तरह से करना है और इसको आपको इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप नेविगेटर बॉक्स के अंदर देख सकते हैं ये इस तरह से काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस आप कम करेंगे तो, ज्यादा करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा एरिया ले लेता है, अगर कम करेंगे तो खाली स्किन का एरिया वो डिटेक्ट करता है। तो स्किन का एरिया मैं इतना तक रखता हूँ और फेदर आपका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 40-56 इसके अंदर रखता हूँ और ऑपोसिट जैसे वैसे रहेगा। स्मूथनिंग जो यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है इसका अमाउंट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 85 तक कर सकते हैं और फाइन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और इसके अंदर और भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट वैसा रहना चाहिए। और इसका अमाउंट जो स्किन इम्पेक्ट जो आता है इसका थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। इसका देखिए बढ़ाने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा आता है। और यहाँ पे आपका देखिए रेडनेस, ये कलर आपका एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया है। ब्राइटनेस आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए ये स्किन टोन, स्किन टोन के ऊपर आप यहाँ पे देखिए सैचुरेशन थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा सकते हैं आप या फिर नहीं भी बढ़ा सकते, आपका मर्जी। और यहाँ पे ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और शेडो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और ये आपका हो गया स्किन फाइनिंग। ओके, तो इसके अंदर स्किन फाइनिंग आपका हो गया। इसको अगर आपको देखना है तो आपको मैं वापस दिखाऊंगा, पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये आपका स्किन फाइनर इतना तक आपका हो गया। तो स्किन फाइनर में कितना तक रिजल्ट रहता है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शायद, आप देख सकते हैं मैं बहुत सारा बहुत अच्छी तरह से इसको जूम करके रखा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये स्किन फाइनर, इस फोटो के अंदर मैंने अभी तक कलर करेक्शन या फिर आपका लाइट टोन कुछ भी नहीं किया, ओनली रॉ फोटो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया स्किन फाइनर। अभी मैं आपको टोपास के अंदर दिखाऊंगा। ये फोटो ले लिया, ये नॉर्मल फोटो है, इसके अंदर मैं टोपास को यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे टोपास लैब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको लेना है क्लीन बोल के एक ऑप्शन है, क्लीन थ्री। ठीक है, टोपास प्लगइन जब इंस्टॉल करेंगे इसमें ढेर सारा आपका ऑप्शन आ जाता है और इसके मदद से आप जो यहाँ पे कटिंग वाला ऑप्शन है इसके अंदर भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे रिमास 5। ठीक है, इससे मदद से आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है ये स्किन स्मूथनेस के ऊपर, तो हम लोग स्किन स्मूथनेस ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोपास क्लीन थ्री बोल के लिखा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपका टोपास का जो पैनल है वो खुल के आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्किन रिटच करने के बाद, मतलब स्मूथ करने के बाद कैसा दिखाई देता है।
ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, देखिए डी ब्राउन बोल के एक लिखा हुआ है, इसको आपको दबाना है। इसको जब भी दबाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 50% कर लेता हूँ। अब देखिए इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया है। तो इसका स्ट्रेंथ आप इसका कम कर सकते हैं, या फिर आपका इसका थ्रेशोल्ड जो है इसको कम कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सेटिंग वगैरह कुछ करेंगे तो आपका अच्छी तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए टेक्सचर बोल के लिखा है, इस टेक्सचर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो टेक्सचर आपका अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे टेक्सचर आ गया है, और यहाँ पे टेक्सचर को साइज आप बूस्ट कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं टेक्सचर का, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, और रिड्यूस कर देना है, इसको रिड्यूस कर देना है थोड़ा सा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना तक आपको करना है। ये आपका स्मूथनेस इसको भी कर दिया। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, और दोनों प्लगइन में कैसा स्मूथनेस आया है मैं अभी आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो कौन सा चीज आपको ज्यादातर यूज करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है, प्लगइन वगैरह जो चलता है ये सब फोटोशॉप के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपका जो रैम वगैरह है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसका जितना अच्छा क्वालिटी का आपका मशीन है उसमें उतना अच्छा क्वालिटी में जल्दी जल्दी काम कर देता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन स्मूथनेस कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। तो दोनों का मैं आपको दिखाऊंगा, इसको मैंने छोटा कर लिया और इसको भी मैंने छोटा कर लिया। ये दोनों को मैं साइड में रखूंगा इस तरह से। अब इसको देखिए स्क्रीन फाइनल में क्या हुआ है, और स्क्रीन टोपाज में क्या हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इतना तक, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इतना तक, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए आप खुद पता कीजिए इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है। ये आपका स्क्रीन फाइनर में स्क्रीन स्मूथ किया गया है, और ये आपका टोपस के अंदर से स्क्रीन स्मूथ किया गया है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि टोपस के अंदर भी आपका स्क्रीन स्मूथ होता है, ओके। तो मैं आपको ये कंपैरिजन दिखाने के लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो आप लोग गौर से देखिए। ये सबसे बेस्ट तो मुझे लग रहा है ये आपका टोपस वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं उसको बताऊंगा आपको, किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है मैं प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसको रिजल्ट जो है आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरा तो रिजल्ट इसमें जाता है, वोट जाता है आपका टोपस के ऊपर। तो टोपस में आपको कम्प्लीटली कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लेयर पैनल ओपन करता हूँ, और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, और इसको मैं जैसा था वैसे मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ इस तरह से, देखिए ये नॉर्मल जैसा था वैसा हो गया। और इसको पहले जब भी आप टोपस में काम करेंगे तो इसको पहले आपको क्या करना होगा, कंट्रोल जे दबा के एक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, कॉपी कर लेना है। ये मैं टोपस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको नॉर्मल फोटो को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको टोपस में आपको जाना है दोबारा, यहाँ पे आपको टोपस में जाना है। टोपस में जाके यहाँ पे क्लीन थ्री बोल के लिखा है, इसको क्लिक करना है, और ये आपका पैनल खुल जाएगा। खुलने के बाद ये जैसा था वैसा आ जाएगा, सेम टू सेम आपका यहाँ पे डी ब्राउन बोल के एक लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इस कारण ये सबसे बेस्ट ये फीचर्स है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ग्राउंड बोल के इसको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के साथ साथ ये आपका स्मूथनेस कर देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये टेक्सचर हम लोग बढ़ा लिए, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और बूस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसको रिड्यूस कर देते हैं, और इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसको सिंपली आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक चीज दिखाऊंगा, ये आपका ट्रिक है, इसलिए मैंने एक फोटो को कॉपी किया है, इसी कारण फोटो को कॉपी किया है। तो फोटो किस लिए कॉपी किया है वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये आपका कंप्लीटली आपका स्मूथनेस कर दिया, ओके। करने के बाद ये देखिए फोटो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, और ये आपका स्किन स्मूथनेस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये छोटा सा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है नीचे लेयर पैनल के अंदर, इसको आपको एक बार दबाना है, ठीक है। इसको दबा लेना है, दबाने के बाद एक छोटा सा सादा बॉक्स आ जाएगा व्हाइट कलर का। इस बॉक्स को क्लिक करते हुए आपको ब्रश को चूज कर लेना है। ब्रश को लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक दबाइए, और सॉफ्ट ब्रश जो ब्रश है उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जितना आपको एरिया चाहिए, ठीक है। ये बढ़ा लिया,
और इसके ऊपर आपको क्या करना है, जो आई से आई जो ब्रो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना। तो इसका ये यहाँ पे देखिए ये नहीं हट रहा है क्योंकि ये सफेद है और इसका कलर भी आपका सफेद है, तो इसको आपको ब्लैक करना है। हाइड करने के लिए इसको ब्लैक करना है, इसको सफेद रखना है और इसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका देखिए जो आईब्रो है ये आपका अच्छी तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको आपको क्लीन कर लेना है, इस तरह से आपका काम करना है। ये आपका प्रोफेशनली काम जो लोग करता है तो इसी तरह से आप लोग करना है, इसी तरह से सब लोग करता है, ठीक है। और ये आंखों के ऊपर भी आपको ड्रॉ कर लेना है जो आपका आंखों का पार्ट है, नहीं तो ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। जब हम लोग स्किन फाइनर या फिर कोई भी टूल यूज करते हैं स्किन स्मूथ करने के लिए तो ये सब ढक जाता है, तो इसको आपको इस तरह से सेव करना है। जैसे होंठों के ऊपर आपको ठीक करना, इसके ऊपर हम लोग को नहीं चाहिए, बस ये हो गया। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। और ये जो ज्वेलरी का जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर स्मूथनेस आ गया तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, ओके। तो आई थिंक हम लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से आपको यूज करना है। और ये जो हेयर का पार्ट है इसके ऊपर भी आपको ड्रॉ कर देना है, तो हेयर को भी आपको हटा देना है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेता है, ओके। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, जितना भी एरिया है आपको ड्रॉ कर लेना है, बाकी जितना भी एरिया है स्किन को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है आपको ड्रॉ करना है तो अच्छा होगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छी तरह से आपका हो गया काम। और इसको हम लोग कर लेंगे मार्च। मार्च कैसे करते हैं, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे करेंगे मार्च विजिबल, या फिर आपको करना है फ्लैटन इमेज, तो यहाँ पे फ्लैटन इमेज हम लोग कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल जे दबा के एक कॉपी और ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद आपको इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाके यहाँ पे देखिए अदर्स बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको सिंपल आपको हाई पास जो लिखा हुआ है इसको दबा देना है। दबाने के बाद इसको आपको 2.5 या फिर आपका फोटो के अकॉर्डिंग आपको देना है, जो यहाँ पे डिटेल्स देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 रख रहा हूँ, तो आप आपका फोटो का हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नॉर्मल जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग मोड, इसको ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं, तो नॉर्मल को आपको क्लिक करके आपको कर लेना है विविड लाइट, या फिर आपको करना है ओवरले, या फिर आप सॉफ्ट लाइट, ये ओवरले सॉफ्ट लाइट और विविड लाइट, ये तीनों में से आप एक चूज करके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विविड लाइट दे रहा हूँ, तो इसका शाइनिंग जो है बहुत बढ़िया दिखाई देता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसका शाइनिंग कैसा आ रहा है। ये देखिए मैं इसको ऑफ कर दिया तो इसका देखिए शाइनिंग चला गया, स्मूथ तो है बट इसका डिटेल्स और शाइनिंग थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो इस तरह से आपको विविड लाइट में करना है हाई पास देखे। तो ये आपका देखिए शाइनिंग बढ़ गया है। अब देखिए इसका क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया सा आपका लुक दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है। तो कलर करेक्शन करने के लिए मैं यूज करूंगा, यहाँ से जाके मैं यूज करूंगा मेरा जो डार्क मैजिक एक्सप्रेस है इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका डार्क मैजिक एक्सप्रेस के अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्शन में जा रहा हूँ, ऑटो कलर करेक्शन, और यहाँ पे देखिए ऑटो कलर करेक्शन बोलकर लिखा है, इसको दबाना है। इसको दबाने के साथ साथ ये कलर करेक्शन आपका बहुत ही अच्छी तरह से कर देता है, एकदम मक्खन जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्वालिटी हो गया। तो ये दो फोटो आपको मैंने कंपेयर करके दिखा दिया, स्किन फाइनर में कैसा आ रहा है और टोपस में कितना अच्छा आ रहा है, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो टोपाज लैब यूज करना चाहिए, तो आप लोग भी यूज कीजिए। अगर आपको टोपाज लैब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे देखिए नंबर शो हो रहा है, आपको चाहिए होगा तो मैं मुझसे व्हाट्सअप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे लेना होगा, किस तरह से इसको बाय करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको डार्क मैजिक एक्सप्रेस चाहिए, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है आपका 999, ठीक है। ये आपका फोटोशॉप CS6 और CC14 में ही वर्क करता है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर से भी मैं आपका स्क्रीन रिटच का ऑप्शन है, इसमें भी आपको मैं दिखा दिया मेरा वीडियो में आप देखेंगे, या फिर आप यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए एक ऊपर में जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके इसका कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डार्क मैजिक एक्सप्रेस फुल ट्यूटोरियल, तो उसको क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कंपैरिजन वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्किन फाइनर और टोपस के अंदर में जो फर्क था मैं आपको दिखा दिया, ये दिखाना चाहिए था इसलिए मैंने सोचा चलो आज दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
सब्सक्राइब अब लोग करते नहीं है और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो आ नहीं रहा है। वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यूअर मुझसे जुड़ेंगे तब ना जाके वीडियो मैं डालूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो मर्जी है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, वो आपका ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।